हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सिक्स चैप्टर है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है चेंजेस। ठीक है, बदलाव जो केमिकल रिएक्शन होती है ना अपने आसपास होती रहती है, जो उसमें सबसे पहला टॉपिक है तो चेंज। वो कैसे होती है? जो चेंज होता है वो क्या होता है, जनरली टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होता है? जैसे फिजिकल चेंज किसी का फिजिकल रूप से चेंज हो जाए लेकिन उनका केमिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हो। जैसे मान लो वाटर है, वाटर को हम क्या करेंगे, इसकी तीन स्टेट होती है। एक तो होती है लिक्विड स्टेट होती है, एक तो होती है सॉलिड और एक गैस स्टेट होती है, जिसको वेपर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तीनों स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, जैसे कि लिक्विड स्टेज में क्या होता है, वाटर पानी नॉर्मल रहता है और गैस स्टेज में पानी उड़ जाता है गैस के फॉर्म में। और सॉलिड की स्टेट में क्या होता है, गैस जो वाटर होता है वो क्या होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, आइस का रूप ले लेता है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जैसे पानी है अपना आइस भी हो जाता है और अपना वेपर्स के रूप में भी चला जाता है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज तो हो जाएगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वो H2O ही कहा जाएगा। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है H2O, वो H2O ही रहेगा। सॉलिड फॉर्म में भी H2O बोलेंगे उसको और लिक्विड फॉर्म में भी और गैस की फॉर्म में भी उसको क्या बोलेंगे, H2O, क्योंकि वो वाटर ही था तो इसका केमिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, उसका केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे कि फिर उसको अपन दूध से दही जमाते हैं, तो ठीक है दूध से दही जमाएंगे तो क्या होगा, मिल्क से कर्ड बनेगा, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, जो क्योंकि उसमें फिर जो कर्ड होगा उसमें मिल्क के प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि और जो मिल्क होगा, जो मिल्क की जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट थी पहले, जो मिल्क को कन्वर्ट करेंगे कर्ड में, तो कर्ड में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, अदर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लेकिन जब हम कर्ड को फिर उसमें चेंज करना चाहेंगे कि दोबारा वो मिल्क बन जाए, तो वो मिल्क नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या होता है, केमिकल चेंज, क्योंकि उसका केमिकल चेंज हो गया है। लेकिन जब अगर हम पानी को, जैसे लिक्विड स्टेज में जो वाटर है अपना नॉर्मल वाटर है, उसको हम आइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और आइस से हम चाहे तो इसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिक्विड की फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज ये कहलाता है। केमिकल चेंज में क्या हो सकता है कि ये केमिकल की फॉर्म में चेंज हो जाता है और जो सब्सटेंस बनता है वो उसको हम दोबारा उसी फॉर्म में वापस नहीं पा सकते। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज फिजिकल स्टेट चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। ठीक है, आपको ये ना एकदम इसको याद नहीं करना, इसको एक समझना है कि क्या फिजिकल चेंज में क्या बता रहा है और केमिकल चेंज में क्या बता रहा है। मतलब फिजिकल तो चेंज हो जाएगी चेंज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, H2 होगा, H2O रहेगा आइस की फॉर्म में, क्या कौन सी होगी, ये सॉलिड की फॉर्म होगी, सॉलिड स्टेट होगी, और ये लिक्विड फॉर्म में कौन सा होगा, अपना लिक्विड स्टेट प्रेजेंट वाटर होगा, और H2O वेपर जो गैस की स्टेज होगी। ठीक है, तो इन चीजों में सबका देखो फॉर्मूला सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अब इसमें देखो केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन चेंज फिजिकल स्टेट में और मे नॉट बी सेम। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, जैसे मान लो अपना कोल है, कोल किसको बोलते हैं, कोयले को। ठीक है, कोयले को हम क्या उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, गैस के रूप में उड़ जाएगा। तो देखिए क्या था, अपना सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, जो कोल था सॉलिड फॉर्म में, तो फिर क्या होगा, कन्वर्ट होगा गैस की फॉर्म में। तो जो इसमें देखो फॉर्मूला अपना कोल का था वो CO2 हो गया कन्वर्ट, तो ये चेंज हो गई ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, मतलब कोल के और फॉर्मूला नहीं रहा लास्ट में जो बचा अपना, तो ये चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे H2O का फॉर्मूला H2O ही रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और फिजिकल मे नॉट बी चेंज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसका केमिकल चेंज हो गया है ना। अब देखिए न्यू सब्सटेंस फ्रॉम, देखो न्यू सब्सटेंस, अब इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बन सकता है और इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते। कैसे, जैसे कि अपन को इससे कोल है अपना है ना, कोयले से अपन सीधा कन्वर्ट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया तो इसमें न्यू सब्सटेंस बन गया, अपना CO2 बन गया, इसमें कोल में जो कोल था उसमें ही प्रेजेंट नहीं था ये सब्सटेंस। अब देखो आइस है, आइस में वेपर जो अपना क्या बना, लिक्विड स्टेज आ गई, H2 बना, तो अपना वही सब्सटेंस बना रहा है ना, H2 ही रहेगा, गैस की फॉर्म में भी H2 रहेगा, तो इसमें नो न्यू सब्सटेंस, में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जो सब्सटेंस अपन ने यूज किया है उसकी स्टेज चेंज हो जाएगी फिजिकल स्टेट, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बन सकते हैं आसानी से,
अपन है ना एक कोई भी चीज केमिकल फॉर्म चीज ले लेंगे, तो केमिकल को सब्सटेंस लेंगे तो केमिकल सब्सटेंस से न्यू केमिकल सब्सटेंस बना सकते हैं और उसकी चेंज भी कौन सी चेंज भी रहेगी। अब देखिए रिवर्सिबल और अनस्टेबल चेंज। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ अपन इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर से अपन क्या लिक्विड फॉर्म से हम इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या होगा रिवर्सिबल, मतलब कि जो फॉर्म पहले थी उसको हम दोबारा उसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, और फिर अपन चाहे कि इसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो अदर फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसे गैस में। तो ये क्या है रिवर्सिबल, जैसे कि वाटर आपके पास सॉलिड फॉर्म में, आपका आप चाहते हो कि उसको लिक्विड फॉर्म में चाहते हो तो आप कर सकते हो चेंज इसको, है ना, उसको टेम्परेचर हाई करके। तो ये क्या होगा रिवर्सिबल, इसको रिवर्सिबल इसलिए कहते हैं कि रिवर्सिबल अपन कोई प्रोडक्ट होता है उसकी कोई से भी स्टेट का प्रोडक्ट पा सकते हैं। अब ये क्या होता है इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि इसमें कोई प्रोडक्ट बन गया, अब देखो कोल है अपना, कोयला है, उससे अपन कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया अपन को, अपन उसको कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, हम इसको दोबारा नहीं बना सकते, तो इसलिए क्या होगा इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, इसको दोबारा पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। और स्टेबल चेंज, और ये क्या होगा स्टेबल होगा चेंज, और इसका होगा अनस्टेबल चेंज रहेगा। स्टेबल चेंज क्यों होगा केमिकल चेंज, अब केमिकल चेंज हो गया तो स्टेबल रहेगा, अब ये तो गैस ही रहेगी, तो हम अपनी एयर में चली जाएगी एटमोसफेयर में, अब गैस को अपन सीधे स्टेबल ही रहेगी ना, अब इससे ये कोल नहीं बनेगी ना O2 बनेगी, ठीक है, तो स्टेबल चेंज रहेगा। और अनस्टेबल चेंज इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें क्या होगा H2 होगा, जो अपना क्या होता है इसको अपन दोबारा स्टेट चेंज करेंगे लेकिन अनस्टेबल रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल जैसे मिल्क ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, ठीक है, जैसे कि दूध से दही जमाना हो गया, और जैसे किसी भी आयरन लोहे की बर्तन होंगे या लोहे की कोई थिंग्स होगी उसमें क्या होगा जंग लगती है, रस्टेड हो जाती है, तो जो चीज रस्टेड जंग लगा हुआ को लोहा है अपन को उससे क्या दोबारा वो लोहा प्राप्त नहीं हो सकता जो पहले हमें हमारे पास था, ठीक है, तो ये क्या होगा इरिवर्सिबल होगी और स्टेबल चेंज होगा कि लग गया तो लग ही गया। और मिल्क से कर्ड, दूध से दही बनेगा तो दही बन ही गया, अपन दही से दोबारा दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते उसको, तो ये क्या होगा इरिवर्सिबल स्टेबल चेंज, अब स्टेबल ही होगा तो दही बन गया तो बन ही गया, उससे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। स्पॉइलिंग ऑफ कुक फूड, और कोई स्पॉइलिंग ऑफ कुक फूड होता है उसको खराब हो जाता है ना, तो वो खराब ही हो गया अपन उसको दोबारा सही ताजा नहीं कर सकते, ठीक है। ये केमिकल चेंज होते हैं और ये फिजिकल चेंज होता है, इसके एग्जाम्पल अपने बहुत सारे होते हैं अपन डेली लाइफ में करते हैं, और केमिकल चेंज होते हैं बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप दोनों मेथड को अलग अलग याद रखने, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इन दोनों चेंज की, तो आप इसको नोट डाउन कर ले अपने।